At 500 degrees Celsius, coke can be used for extraction of zinc from zinc oxide. सो ऑल ऑफ यू, हम लोग ने जिंक का एक्सट्रैक्शन देखा है ना? यस, सो उसमें कोक यूज किया था. यस, इट वॉज अ कोक, बट टेम्परेचर वॉज 1200 डिग्री सेल्सियस. सी ऐसा है ना ग्राफ, यहाँ पे तुम्हारा This is C plus O2 is giving you CO, and सो 100 डिग्री सेल्सियस ये जो रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड का, दैट इज मोर स्पॉन्टेनियस देन दिस ना. यस ऑल ऑफ यू, यस. सो इट कैन नॉट रिड्यूस्ड. अगर तुम्हारा सीओ ज्यादा स्पॉन्टेनियस होता था, सीओ फॉर्मेशन वो ज्यादा नेगेटिव होता था, तो हो सकता था, वो रिड्यूस कर सकता था. Coke cannot be used for the extraction of copper from Cu2O. Coke cannot be used for the extraction of copper. So again same, यहाँ पे तुम्हारा जो reaction है वो यहाँ पे है coke का, which is more at so this is more electronegative now. Yes, Cu जो है वो नीचे है CO के ग्राफ के. CuO का जो ग्राफ है उसके उस वो ग्राफ नीचे है Cu CO के ग्राफ के कंपैरिजन में. सो इट कैन नॉट बी यूज्ड. ओके मैम. सो बचा डी ना. यस मैम. सो इसमें क्या दिया है, एट 1400 डिग्री एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्ट. यस, एल्यूमिनियम नीचे है ना जिंक के, सो इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन जिंक. सो डी इज द करेक्ट आंसर. यस मैम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. According to following diagram, A reduces BO2,
When the temperature is? So अभी करेगा reduced. See ऐसा है देखो graph इसका. So, अगर हम लोग ये सारे टेम्परेचर्स पे देखेंगे तो ये कैसा है, ये नीचे है ना, सो इट हैज मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए शुड रिड्यूस बीओ टू, सो एओ टू को बी रिड्यूस, एओ टू को बी रिड्यूस कर सकता है, बट एट वॉट टेम्परेचर. अभी ये देखो ये जो टेम्परेचर है, ये जो यहाँ पे इन लोग मीट कर रहे हैं, उसके बाद बी जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है एंड ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रह जाता है. सो ये जो टेम्परेचर है यहाँ पे कितना है, यस यस मिस, देन ग्रेटर देन 1400 डिग्री सेल्सियस. हाँ नाइनटींथ क्वेश्चन. एज पर हार्ट्जी शेहल्स फॉर्मुलेशन द कोएगुलेशन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट इज इन ऑर्डर ऑफ. सो FeOH thrice is positive salt. So जो सबसे ज्यादा negative है वो क्या करेगा, उसको reduce करेगा. Yes, all of you? Yes, so तुम्हारे compound से K3FeCN3. So इसमें negative जो है वो FeCN3 minus है. फिर है K2CrO4. KNO3. KBr. So now you can arrange. Yes, ma'am. Next है अनिकेत का doubt. JEE Advanced Multiple Correct Question 6. Yes, all of you, we have done extraction of gold from cyanide. क्या था वो reaction, याद है किसी को? हम extraction of gold NCRT मैंने दिया, module में दिया अलग से. हाँ, मैंने नहीं किया.
ब्लीचिंग में नहीं है, मैंने सिखाया तुम लोग को एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड नहीं, बट एग्जाम्पल तो है ना, एनसीईआरटी देखो एक बार, ब्लीचिंग ब्लीचिंग में रहेगा, बेयर्स हॉल्स एंड लेट मी चेक, see it's there on page number 155 of NCERT. Is can you repeat the page number? मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, रुको रुको, 55 पेज नंबर पे है. Now you can answer this question. Other examples देखो, B. So what will be the answers? Tell me, what is the answer? A, B, D. A, B, D नहीं है, but cyanide process of gold extraction involves leaching out gold from its ore with CN in presence of Q in water to form R. B, C, D होना चाहिए ना? हाँ, क्या है? A, C, D भी नहीं है. B, C, D. B, C, D correct है. So, ये तो ये दो ऑलरेडी दिया है इन लोग ने, साइनाइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्यू, और ये गोल्ड है टू फॉर्म आर. आर इज ट्रीटेड विद टी टू ऑब्टेन Z and gold. Okay, so now see, it will be B, C and D. Yes. Next is numerical one. Numerical one.
कौन सा ये 59 पेज नंबर वाला? वॉइस नहीं आया निकेत। ओके सो पेज नंबर 59 गैलिना इज पार्शियली yes all of you read that question galena yani pbs hota hai ऑक्सीडाइज फिर आफ्टर सम टाइम पैसेज ऑफ एयर इज स्टॉप तो ये सेल्फ रिडक्शन करेंगे उसको बैलेंस करो सो पीबी का मास कैलकुलेट करने बोला है केजी में पर केजी ऑफ ऑक्सीजन पर केजी में वो 3 PB होगा ना ठीक है सो नाउ यू कैन कैलकुलेट यस चलो करो कैलकुलेट और मुझे आंसर बताओ फास्ट ऑल ऑफ यू
यस देवांश, यू आर गेटिंग करेक्ट, मीन्स आंसर नियर है तुम्हारा बहुत ज्यादा. मिस 6.4. ओके, आंसर विच इज गिवन इज 6.74 केजी. 6.74 केजी. ओके हाँ, ये आई डोंट नो व्हाई यू ऑल आर गेटिंग 6.46. पीपी का वेट कितना यूज किया तुमने? हाँ ठीक है, 4 ही आ रहा है ना, बट इट इज 6.7 गिवन. पीबी जो है वो 207 होता है, ये यूज किया ना सब लोगों ने. देन व्हाई, तो फिर पता नहीं इन लोग ने यहाँ पे 6.74 आंसर दिया. ठीक है, अभी ये संडे को है ना जीपीपीआई का एग्जाम तुम लोग का? ये संडे सरफेस केमिस्ट्री. ये संडे सरफेस केमिस्ट्री है. अभी था ना, बट वो ये लास्ट वाले संडे वो हॉलिडे दिया था, मतलब तभी एग्जाम नहीं लिया था. ओके JE level 2. JE level 2 का question number 2. So अभी आएगा ना अनिकेत करने के लिए question. Yes. It is based again on that cyanide wala. Next is Malar's doubt JE archives question number 11. Reason, an assertion and reason for the extraction of iron hematite ore is used. So hematite ore is a carbonate ore of iron. What is the formula of hematite ore? All of you tell me. मैंने तुम लोग को लिखवाया था. What is hematite ore? Hematite ore क्या है? What is the molecule? Fe2O3 ना? So reason तो wrong है ना? So only reason is correct. Wrong. B, both assertion reasons are correct and reason is not correct explanation for assertion. That is wrong. Only assertion is correct. C correct है ना? Yes, all of you, C is correct option. Yes. Next is 14th question. The correct statement is zinc site is a carbonate ore. So what is formula of zinc site? Batao, zinc site ka formula kya hai? I think it is an oxide. Correct. ZnO. So A is wrong. Aniline is froth stabilizer. Zone refining process is used for refining of titanium. See, wrong hai na? Zone refining mein kya kaun use hota hai? Germanium, silicon and gallium. So sodium cyanide cannot be used. Sodium cyanide is used for extraction of silver and gold. So D is also wrong. So it should be B option.
बी है ना आंसर. ओके ट्वेंटी हो गया. देवांश का जेई एडवांस न्यूमेरिकल वन इट्स डन ना. पेज नंबर 59. सिंगल टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 58 का सिंगल टाइप क्वेश्चन 3. विच सीरीज ऑफ रिएक्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू आयरन एंड इट्स कंपाउंड. So, ये सारा या एडवांस के क्वेश्चंस है ना. अभी वी हैव नॉट स्टडीड दिस इन सो डिटेल ऑल ऑफ यू. दिस इज एडवांस का क्वेश्चन और ये एनसीईआरटी के बाहर का है. ये सी एंड डी ऑप्शंस आर रॉन्ग बिकॉज ये जो सल्फेट्स होते हैं अभी ये Fe2SO4 ट्राइस और FeSO4 इनको अगर हम लोग हीट करेंगे जैसे वहां पे दिया है तो ये जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे FeO प्लस SO2 में कन्वर्ट होंगे बट वहां पे Fe दिया है. So, C and D तो नहीं आएगा. B का फर्स्ट वाला स्टेप करेक्ट है एंड इसको हम लोग CO In A option also FeCl3 is getting converted to FeCl2 तो वो हीटिंग से नहीं होता है. सो ए भी नहीं आएगा. सो इट विल बी अ बी ऑप्शन. पर वो बी ऑप्शन में CO जब हम ऐड करते हैं और 600 डिग्रीज पे मतलब हीट करेंगे तो वो Cl2 मतलब किधर से आया? Cl ना. हाँ हाँ वही. मीन्स ये पूरा प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयन का. तो उधर लोग अभी बाकी भी चीजें रहेंगी ना साथ में. मीन्स CO ऐड करने से तुम्हारा ये Fe3O4 कन्वर्ट हुआ Fe. इन लोग ने सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स दिए बाय प्रोडक्ट्स नहीं दिए. ओके मैम. ओके
क्वेश्चन नंबर 56 Question number 7. The pair that does not require calcination is? Seven. कैल्सिनेशन में क्या रिक्वायर्ड होता है ऑल ऑफ यू व्हाट हैपेंस इन कैल्सिनेशन कार्बोनेटेड एंड हाइड्रेटेड ओर्स यूज होते हैं ना यस ऑल ऑफ यू सो बी ऑप्शन में देखो CaCO3 MgCO3 दिस आर द कैल्सिनेटेड सो ये यूज होगा सी में हाइड्रेटेड ओर्स है एंड यहाँ पे भी कार्बोनेटेड ओर है सो इट विल बी अ ए ऑप्शन ओके देन नेक्स्ट इज जेई लेवल 2 का क्वेश्चन 19 जेई लेवल 2 मैम पीछे एक्चुअली 7th का आंसर सी दिया था इसलिए कंफर्म सी दिया है पीछे इट विल बी ए अच्छा बराबर से देखो सी दिया कि ए दिया कि मेरे पास में जो बुक है उसमें ए दिया है अब मेरे में सी दिया चलेगा लेवल टू का 19 द केमिकल प्रोसेस इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम हेमाटाइट ओर इन स्टील वाला तो है नहीं स्टील फॉर्मेशन इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी चेक करो क्या है आंसर और उसको याद रखना So 19th का आंसर इज बी ऑक्सीडेशन फॉलोइंग बाय रिडक्शन सो हेमाटाइट ओर इज यूज्ड Fe2O3 सो ये प्रोसेस में हम लोग ने किया था ना पहले इसके अंदर एक इम्प्योरिटी होता है FeO उसको हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं Fe2O3 सो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ एंड देन Fe2O3 को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं कार्बन के साथ तो हमने को Fe+CO ऑब्टेंड होता है सो दिस इज रिडक्शन सो इट विल बी अ डी ऑप्शन ओके ऑल ऑफ यू वही प्रोसेस को कंसिडर करना है जो अभी हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस में स्टडी किया ओके मैम जेई लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 10 ये रीड करो कौन सा स्टोन है It is aluminium silicate. Aluminium silicate wala stone hai.
ए ऑप्शन. 11th, द रीजन इन विच मेन मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ इज कॉल्ड. इट इज फाउंड इन सिड्रोफिल. सी ऐसा होता है. फिर उसके ऊपर होता है सल्फाइड लेयर. सिलिकेट लेयर. लिथोफिल. चैल्कोफिल बोलते हैं. और ये जो सबसे अंदर होता है साइट्रोफिल बोलते हैं. सो दिस आर द डिफरेंट जोन इन अर्थ क्रस्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. लेड एंड टीन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर चीफ ओर बाय सेल्फ रिडक्शन एंड कार्बन रिडक्शन. कैसे देखो. पीबीओ प्लस पीबीएस गिव्स यू पीबी प्लस 6. This is self-reduction. Okay. These are the examples of self reduction. Carbon reduction. Okay. State level question number. State level archives. Question number 18. Silver obtained from arginoferrous lead containing lead impurity is purified by. Silver को हम लोग cyanide के help से करते हैं. ये cupellation and all is not there in NCERT. ओके okay. ये नहीं है एनसीईआरटी में. सिल्वर का एक्सट्रैक्शन एनसीईआरटी में साइनाइड के हेल्प से ही बताया गया है. बाकी कोई और प्रोसेस दिया नहीं है. ओके मैम. सो देवांश के डाउट्स खत्म हुए. नाउ नेक्स्ट इज चित्रा का लेवल 2 का सेकेंड क्वेश्चन. ये हो गया ना चित्रा. जेई आर्चीव्स
सेकेंड इज ऑल्सो डन, 20 इज डन, एडवांस 3 इज डन, सिक्स्थ इज ऑल्सो डन, न्यूमेरिकल 1 इज ऑल्सो डन. रुद्र का पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 28, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एन वाई. सो ये अभी पता चला रहेगा ना रुद्र? यस सर. जेई लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज डन. जेई लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 इज डन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस 52 एडवांस का है? जेई एडवांस का मल्टीपल करेक्ट, सिक्स्थ इट्स डन. सो रुद्र के भी सारे क्वेश्चन हो गए. बाकी अनिकेत का भी सब हो गया है सॉल्व. चलो ठीक है. सो ऑल ऑफ यू सारे डाउट्स क्लियर हो गए सबके? Yes, all of you, entire module solving is done. Yes, all of you, entire module solving is done. I'm thoda JEE exercises baki hai. Ye sab baki rahega na, numerical value type. मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, दिस इज लेफ्ट ना. लिंक कॉम्प्रिहेंशन टाइम, मैट्रिक्स मैच टाइप, दिस इज लेफ्ट. यस मैम. चलो देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट. खत्म करते हैं ना चैप्टर. So all of you take page number 51.
चलो फर्स्ट क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ यू ऑन योर कैमरास नाउ. चलो फास्ट ऑन योर कैमरा. मैंने बोला नहीं तो किसी ने कैमरा ऑन किया नहीं है ना. चलो फास्ट. जो भी कैमरा ऑन नहीं करेगा लेक्चर में ही मत बैठो. Start solving question number one, numerical value type. Sami, on your camera. Savi. Siddesh. Kinari. Darsh. Chitra. Diya. तो सबको अभी मैं ना 2 मिनट रुकूंगी. 2 मिनट के बाद सबको बाहर निकालूंगी मैं. दिव्य दुर्वा अनिकेत. Start solving and send me answers. जिसका भी हो गया है solve करके. Yes, Devansh, your answer is correct. So others do it fast. Yes, Mallar, correct. Rudra, Sumitra, correct. Mallar, correct. ये नहीं किया था ना homework में. No. ये नहीं दिया था. So this is, they are asking you to calculate the इसका मास, सोडियम साइनाइड का मास कैलकुलेट करने बोला है. 4 moles of gold requires 8 moles of सोडियम साइनाइड. So 4 × 197 392 सो 20 के लिए कितना 10 grams. ओके आंसर इज 10. Two, more salt. More salt is what? What is more salt? ये सारा तुम लोग को ना
नेम्स, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब तुम लोग को बाय हार्ट करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, किसका ओर कौन सा है, किसका मिनरल कौन सा है, ये सब पता होना चाहिए। मोर सॉल्ट इज NH4 ट्वाइस, SO4, FeSO4, 6H2O. चलो अभी थर्ड करो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन, yes, Devansh, your answer is correct. Yes, Mallar Rudra, your answer is correct. Others, do it fast. Aniket, correct. Sumitra, correct. So, क्या हो, कार्बन इज यूज्ड, नो प्रेरास, टेम्परेचर पूछा है, MgO plus carbon gives you Mg plus CO2. So carbon MgO को Mg में reduced करने के लिए carbon का gives the energy ज्यादा negative होना चाहिए, तभी ही हो सकता है। So दो temperature है, 1273 and 2273. So 1273 के लिए MgO का gives free है -941 और CO का है -314. तो यहाँ पे MgO का ज्यादा है जिस फ्री, सो कार्बन कैन नॉट बी यूज। अभी नेक्स्ट टेम्परेचर पे चेक करते हैं, MgO का है 314 सॉरी, एंड कार्बन का है -628। सो यहाँ पे ये ज्यादा है ना, सो कार्बन कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट एट दिस टेम्परेचर 2273। क्लियर? Yes. Next करो, next. मैम वो कार्बन मोनोऑक्साइड का वैल्यू दिया है। हाँ, तो C plus, ये C किस, यहाँ पे O बनेगा, C will get reduced to CO, तो CO formation is favored at, CO formation होना मतलब ही reduced होना।
Yes, next question. Fourth question. Aniket, find mass. मैं मोल भी पूछा था. मास बोला है ना? मास है. मैं मोल से. हाँ मैं. मोल है. बट यहाँ पे यूनिट केजी भी है. केजी दिया ना 147 केजी है आंसर. चेक करो 1.5. क्वेश्चन 5 देख रहे हो? यस मैम, क्वेश्चन 4 चल रहा है. ओके सॉरी. हाँ देन इट इज करेक्ट. फोर्थ इज 1.5. सो जो दो ही जन को आंसर आया, अनिकेत एंड देवांश मल्लार. क्या दिया है क्वेश्चन में? एट हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विद वॉटर टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ CO एंड H2. CO इज सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन देन फ्रॉम निकल बाय फॉर्मिंग अ वोलेटाइल कंपाउंड निकल टेट्रा कार्बोनिल. मोल्स ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनिल वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम CO प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 75 grams of carbon. बट ये रिएक्शन कंसिडर करने से पहले मुझे पहला वाला रिएक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो मास दिया है वो कार्बन का दिया है. एंड आई नीड टू कैलकुलेट मास ऑफ CO, सो इट विल बी 28. So, ये 28 है तो इसके कितने मोल्स ऐसा. सो 4 मोल्स ऑफ CO गिव्स 1 मोल्स ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनिल. 4 यानी 4 इंटू 28. सो 28 के लिए कितना? Thank you.
ओके Aniket, correct. Yes, all of you. Fourth is done. Now start solving fourth question. Fourth is done. Start solving fifth question. Fifth one. Do it fast. Yes, Malhar. Aage proceed karte raho. Answers are correct. जिसका भी फिफ्थ हो गया है स्टार्ट सॉल्विंग फॉर द क्वेश्चन. आई विल वेट फॉर 3 मिनट्स फॉर द आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. स्टार्ट सॉल्विंग इट फास्ट.
मिस
देवांश का 9th भी करेक्ट है. प्रेरास का 8th करेक्ट है. सिक्स्थ क्वेश्चन. Titanium is purified by following method. So, ये क्या reaction है? Titanium plus iodine gives iodine vapor. This is pure, impure. फिर titanium iodide. Further इसको heat करते हैं तो टाइटेनियम और आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक्स क्या है? 4 है ना. एक्स इज 4. ओके ऑल ऑफ यू स्टार्ट डूइंग 7th क्वेश्चन. ऑल ऑफ यू One minute time, do it fast. Yes, Rahul, your answer is correct. Malhar ka 11th wrong hai. 11th correct hai. 12th bhi correct hai. Yes, Preras correct, Chitra correct. So dolomite यानी क्या होता है? CaCO3, MgCO3. तो यहाँ पे alkali यानी first alkali earth metal यानी second group के element कौन से हैं? Calcium and magnesium. That is 2. Answer is 2. Yes, Aniket, your answer is correct. Now all of you start doing 8th question fast. I'll wait for 3 minutes. Patafat 8th question solve karo.
चित्रा इज क्लोज टू करेक्ट आंसर. सो सो रिएक्शन क्या होता है कैथोड पे? एल्यूमिनियम एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एल्यूमिनियम. एनोड पे कार्बन. So we'll write down the overall reaction. यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना टोटल, तो इसको 6 करने के लिए इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से. हाँ अनिकेत, यू कैन डू इट बाय दैट स्टेटमेंट ऑल्सो, बट अगर वो स्टेटमेंट याद नहीं है देन वी कैन डू इट फ्रॉम रिएक्शन ऑल्सो.
ओके Yes, all of you, next question karo, ninth question, fast, 1 minute time. Do it fast and mujhe sare metals ke naam batana, the one which can be reduced by zone refining. Yes, Rahul, 9th is correct. Correct. वापस से सेंड कर दो किनरी, मुझे याद नहीं तुमने क्या भेजा है पहले आंसर. Prera's wrong. Aluminium nahi isse hota hai, zone refining se. Yes, Kinari correct hai. So answer is 5. Boron, silicon, germanium, gallium, indium. Start solving 10th question, all of you. One minute time. Yes, all of you. So, what is the answer? Aniket ne answer kiya hai. Only 3 metals. Nickel, zirconium and titanium. That's wrong. The number of metals can be purified by vapor phase refining from the following is. Yes, so hum log ne NCERT mein 3 hi kiya hai. 3 metals hi kiya hai. Okay.
Yes, so it will be 3. Mont में निकल होता है reduced and when arkyl में zirconium and titanium. So according to NCERT it will be 3. Okay, all of you. Module में van arkyl method में hafnium मतलब HF भी दिया. हाँ, but अपने को NCERT follow करना है. Okay. Yes, all of you start doing 11th question. Eleventh question, all of you. So 11th का आंसर इज 6. लेड, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम. स्टार्ट डूइंग 12th क्वेश्चन. ट्वेल्थ का आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ मेटल्स गिवन बिलो विच कैन रिप्लेस Mg2+ आयन फ्रॉम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2. तो मैग्नीशियम अगर तुम लोग ने देखा रहेगा ग्राफ में सबसे नीचे आता है ना, सबसे नीचे आता है, सो इट विल बी 0. उसको कोई भी रिड्यूस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट करो 13th क्वेश्चन. 13 फास्ट. यस, तुम्हें तरह चित्र करेगा. यस रुद्र करेक्ट. तो ये सबको आना ही चाहिए. एन इज 3. यू हैव टू डू इट बाय ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. नेक्स्ट करो 14th क्वेश्चन. Yes, Rudra, your answer is correct.
Yes, Sumitra. So only two have given me correct answer. Map, can you solve? Yes. So reaction 3, CaO plus aluminium is giving you Al2O3 plus 3Ca is non-spontaneous. The number of electrons involved is. So calcium oxide will get convert to Ca2 plus plus O2 minus. But yahan pe 3 hai. So ये भी 3 है और ये भी 3 है. सो नाउ 3 कैल्शियम 2 प्लस विल गेट टेक हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन. एक कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा लेगा सॉरी तो 6 कितना करेगा 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम कैल्शियम 3 कैल्शियम जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट में है. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 6 ना. Okay. 15th question. It is 0. All ores are in combined form. और तुम्हारे मिक्सर मिक्सर में उसने बॉन्ड बनाया है इट इज इन कंबाइंड फॉर्म. 16th ये हम लोग ने हाइड्रोजन चैप्टर में किया है. ब्लू विट्रोल द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली कंबाइंड विद सीयू टू प्लस आयन आर. तो इसका फॉर्मूला है CuSO4 5H2O. बट ये कैसा होता है CuSO4 gives you Cu2 plus SO4 2 minus. So SO4 2 minus makes hydrogen bonding with one water. और बाकी के Cu2 plus 2 plus है ना तो ये 4 water molecules के साथ में coordinated bond बनाता है. तो ऐसा टोटल मिला के 5H2 होते हैं और इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रेट बोला जाता है. तो कॉपर के साथ में 4 है सो इट इज 4. सेवेंटींथ क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. 3 minutes टाइम योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, मल्लार का आंसर करेक्ट है. अनिकेत का भी करेक्ट है. Yes, रुद्र मल्हार करेक्ट. Thank you.
Yes, all of you pay attention. क्या बोला है? Sea water contains 1297.3 grams of Mg2+ per metric ton. How much flake lime in kg must be added to 1 metric ton of sea water to precipitate all Mg2+ ion? So Mg2+ plus calcium hydroxide gives you MgOH twice plus Ca2+. So we have to calculate mass of this. And इसका मास गिवन है, कितना दिया है? 1297.3. So magnesium is 24. 24 is giving you 74. So 1297.3 के लिए कितना? Cross multiply करो. You will get 4000 grams. That is 4 kg. Okay. Eighteenth is a repeated question. So 19th solve karo fast. 19th question. तो 19th का आंसर है 6. The number of oxide ores, that is rutile TiO2, tin oxide, tin stone, SnO2. Pyrolusite, MnO2, chromite, FeCr2O4, corundum, Al2O3, fifth blend, U3O8. Okay. So now note down karna homework ko. Okay, all of you. And multiple correct answer type. Yeah. So it's your homework. We solve karke fir Wednesday wale lecture mein aana. We'll start with next chapter, that is chemical kinetics. Okay. है ना सब लोग, सब गए खाना खाने के लिए. यस खाना खाने के लिए.
चलो ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. बाय बाय. कौन बोलना? बाय बाय. बाय मिस. बाय मिस. बाय.